आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वह है इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। इसमें हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वायर फ़ोटो हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो वायर फ़ोटो के लिए प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, जैसा हमने बात की थी कि पतंग हो सकती है, गुब्बारे हो सकते हैं या वायुयान हो सकता है। और वर्तमान में हमने देखा था कि अब वायुयान का इस्तेमाल जो है वो वायर फ़ोटो के लिए ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि जो हमें वायर फ़ोटो प्राप्त हुए हैं उनसे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, या उनका जो इंटरप्रिटेशन करना हो, उसकी व्याख्या करनी हो, तो वो किस प्रकार से की जा सकती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। फ़ोटो इंटरप्रिटेशन या व्याख्या का मतलब होता है कि किसी वायर फ़ोटो की प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान करना। यानी कि किसी भी वायर फ़ोटो के अंदर जो मुख्य चीज़ें हम देखते हैं उसमें एक तो होती हैं प्राकृतिक चीज़ें। प्राकृतिक का मतलब है कि जिसमें हम नदियां हैं, कोई पठार हैं, कोई पर्वत हैं, ऐसी कुछ चीज़ों की पहचान करना कि इस फ़ोटो में ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं या कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं। फिर है उसके बाद सांस्कृतिक लक्षण। सांस्कृतिक लक्षणों में हम शामिल करते हैं कि वहाँ पर सड़कें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, मकान कहाँ पर बने हुए हैं, और जो भी अपनी मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, चाहे वो कोई रेल भवन हो या कोई हवाई अड्डा हो या ऐसी कोई भी मानव निर्मित चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक लक्षण। इसके अलावा है उनका माप करना। माप करने का मतलब है कि आपको जो फ़ोटो में चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो अपने वास्तविक आकार से थोड़ी छोटी होती हैं, तो उनको एग्जैक्टली ये देखना कि फ़ोटो के ऊपर अगर हमें ये साइज़ दिखाई दे रहा है किसी मकान का या किसी फैक्ट्री का या किसी महाविद्यालय का, तो वो वास्तव में किस आकार का धरातल के ऊपर होगा, ऐसा एक मापन करना। और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करना। फ़ोटो के अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि कृषि जो है वो वहाँ पर आपको गेहूँ दिखाई दे सकती है, वहाँ पर गन्ना दिखाई दे सकता है, तो अनेक प्रकार की फसलें होंगी वहाँ पर। तो हम उसके साथ भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में जहाँ का ये फोटोग्राफ है वहाँ के तापमान की दिशाएँ कैसी हैं, वहाँ की वर्षा की दिशाएँ कैसी हैं। हालाँकि तापमान और वर्षा की दिशाएँ आपको वायर फ़ोटो में नहीं मिलेंगी, लेकिन उसकी जानकारी आपको अलग से अगर है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में अगर ये फसलें उग रही हैं तो यहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो इन इन चीज़ों के लिए अनुकूल हैं, तो ये फसलें इस क्षेत्र में हो सकती हैं। इसके अलावा जो हम सर्वेक्षण करके मैप तैयार करते हैं, वो मैप बहुत सालों से हम इस्तेमाल करते रहे हैं, पहले भी और आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य में भी मैप्स को हम इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन उन मैप्स में जो थोड़ी सी दिक्कत आती है वो क्या है कि जब हम सर्वेक्षण करके किसी मैप को तैयार करते हैं तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। वो त्रुटियां हैं कि सर्वेक्षण के दौरान आपने जो सर्वे के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया उसमें हो सकता है कि किसी प्रकार की कुछ दिक्कत रह जाए, या मानव जब उसको रीडिंग ले रहा है उसकी या उसको ड्रॉ कर रहा है उस दौरान कुछ गलतियाँ रह जाएँ, तो वैसी गलतियाँ जो हैं उसके वायर फ़ोटो में होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वायर फ़ोटो में तो एक क्लिक के ऊपर आपको सारा एरिया उपलब्ध हो जाता है, तो उसमें जो तकनीकी चूक होने के चांसेस हैं वो मैप की तुलना में थोड़े से कम होते हैं। अब है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फ़ोटो इंटरप्रिटेशन, कि किस किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी वायर फ़ोटो की व्याख्या करते हैं। दूसरी चीज़ जो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे वो है वायर फ़ोटो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि किसी वायर फ़ोटो में किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु की जो उसकी स्पष्टता है वो कितनी है, और उसके आधार पर हम जो अपना वायर फ़ोटो का निष्कर्ष निकालेंगे या किसी चीज़ों की जो पहचान करेंगे वो कितनी स्पष्ट हो पाएगी या उसका हमें केवल अंदाज़ा ही हो पाएगा, इस चीज़ को हम करते हैं वायर फ़ोटो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। तीसरी चीज़ जो हम इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे वो है वायर फ़ोटो की व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब काफ़ी कुछ इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि फ़ोटो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फ़ोटो में सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो व्याख्या करने वाला व्यक्ति है वो उसको किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन उसकी करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और चौथी चीज़ है वायर फ़ोटो की व्याख्या के मुख्य तत्व। ये चार मुख्य चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फ़ोटो इंटरप्रिटेशन। प्रतिबिंबों से चुने वाली सूचनाओं की मात्रा व गुणवत्ता व्याख्याकार के ज्ञान, अनुभव और क्षमता पर आधारित होती है। यानी कि आपकी वायर फ़ोटो एक ही है,
लेकिन उसको अगर इंटरप्रिटेशन करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं तो उन सब की इंटरप्रिटेशन उसी एक फ़ोटो के बारे में अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि हर व्यक्ति का ज्ञान अलग है, उसका अनुभव अलग है और उसकी क्षमता अलग है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है उसकी वाइव फ़ोटो को व्याख्या करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेस पे पिछले अपनी कुछ गलतियां या पिछले जो कुछ उसके जानकारियां हैं उसके बेसिस के ऊपर वो वर्तमान की वाइव फ़ोटो को कितना अच्छी तरह इंटरप्रिटेशन कर पाएगा ये उसके अनुभव, ज्ञान और क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। इसके लिए उसे किसी एक विधि या कई बार एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। विधियों का मतलब है यहाँ पर कि एक तो ये है कि आपके पास फ़ोटो है, आपने सिंपली उसको अपनी आंखों से देखा और उसमें से कुछ मुख्य मुख्य तत्व जो हैं वो आपने बता दिए, लेकिन कई बार जो बारीक जानकारियाँ हैं जो कि आपको साधारण आंखों से दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए जो है आपको अन्य जो विकल्प हैं कुछ, जिसके अंदर के आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अंदर किसी भी प्रकार के और लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ोटो इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल में सॉफ्टवेयर भी हैं कई, उनको इस्तेमाल में आप ला सकते हैं। तो इसमें किसी एक फ़ोटो को इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप एक विधि या एक से ज़्यादा विधियों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र का आप वाइव फ़ोटो इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं या उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं उस स्थान की मूलभूत जानकारी, यानी कि जिस क्षेत्र के बारे में आप वाइव फ़ोटो देख रहे हैं वहाँ का तापमान, वहाँ की दशाएँ, वहाँ का वर्षा कैसी होती है, वहाँ का धरातल कैसा है, इन चीज़ों के बारे में कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ जो हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको उसकी बेसिक जानकारी नहीं है तो आप उस वाइव फ़ोटो को अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। वाइव फ़ोटो की व्याख्या के मूल सिद्धांत। वाइव फ़ोटो में सिंबल्स या चिन्हों से जानकारी नहीं दर्शाई जाती है। ये हमने पहले भी बात की थी कि मैप और जब हमने वाइव फ़ोटो के बीच में अंतर स्पष्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैप जो होता है उसके अंदर हम कई प्रकार के सिंबल्स को, जिनको हम कन्वेंशनल साइंस कहते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाइव फ़ोटो में ऐसे कोई सिंबल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए आपको हर फोटो के ऊपर कोई सिंबल नहीं है आपकी सहायता के लिए, लेकिन बहुत सारी जानकारी एक साथ उपलब्ध होती है। मैप में क्या है कि आप सिलेक्टिव जानकारी देते हैं। अगर आप फिजिकल मैप है तो सिर्फ फिजिकल फीचर्स को बताएंगे, अगर आप पॉलिटिकल मैप बता रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों की जानकारी मिलेगी। लेकिन वाइव फ़ोटो में क्या होता है कि आपको एक प्रकार की नहीं बल्कि सभी प्रकार की जानकारियाँ एक साथ इकट्ठी मिलेंगी और सिंबल उसमें है नहीं, तो इसलिए आपको इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या आपको थोड़ा ज़्यादा जो है ज्ञान उसमें आपका होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फ़ोटो की व्याख्या करने के लिए आपको कुछ अन्य सामान और जानकारी चाहिए होती है, जैसे उस स्थान का भौतिक और राजनीतिक मानचित्र। कि आपको अगर किसी वाइव फ़ोटो को बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन करनी है तो ये ज़रूरी होता है कि आप उस वाइव फ़ोटो का, जिस स्थान का वो है, उसी स्थान का एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल मैप आप अपने साथ अवश्य रखें। उस मैप से आपको क्या होगा कि कुछ बेसिक जानकारी जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा होता है उसी स्थान का स्थलाकृतिक मानचित्र। और भी अच्छा होगा अगर आप उस स्थान का टोपोग्राफिकल मैप आपको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं, जैसे कंटूर उपलब्ध होता है, वहाँ पर स्थानीय ऊंचाइयाँ उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर कुछ आपके जो रेजिडेंशियल एरिया हैं वो उपलब्ध होते हैं, गाँव उपलब्ध होते हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उसमें आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो अगर उस स्थान का स्थलाकृतिक मानचित्र भी आपको मिल जाए तो आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ का वाइव फ़ोटो को बता सकते हैं। तीसरी चीज़ है स्थानीय भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या संबंधी जानकारी। वैसे तो आपने मैप यूज़ किया, उसमें भौतिक और राजनीतिक जानकारी आपको मिल गई, लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उस स्थान पर पाई जाएंगी, जिनकी जानकारी अगर आपको हो तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वाइव फ़ोटो को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि आर्थिक, आर्थिक का मतलब है कि उस क्षेत्र की मुख्य आर्थिक क्रियाएँ कौन कौन सी हैं। अगर आप तटीय क्षेत्र में हैं तो मछली पकड़ना जो है वो एक मुख्य क्रिया वहाँ की हो सकती है, लेकिन अगर आप मैदानी इलाकों में हैं तो वहाँ पर कृषि जो है एक मुख्य कार्य होगा। तो ऐसे ही शहरों के अंदर जो है कई प्रकार का व्यापार किया जाता है, तो कई प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में की जाती हैं। तो अगर आपको उस स्थान के बारे में ये जानकारी है कि उस स्थान पर कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएँ कब कब किस किस समय में की जाती हैं तो आप वाइव फ़ोटो को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब है कि वहाँ पर भवन निर्माण किस प्रकार का होता है, वहाँ की सड़कें किस प्रकार की हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये चीज़ें भी अगर आपको पता हो तो भी आप उस वाइव फ़ोटो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जनसंख्या संबंधी जानकारी कि किसी क्षेत्र के अंदर
पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, सेक्स रेशियो कैसा है, तो ये चीज़ें भी अगर आपको उपलब्ध हो जाएं तो आपका जो इंटरप्रिटेशन का तरीका है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसके बाद है वायो फोटो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। कोई फ़ोटो बहुत अच्छा हो सकता है, कई बार आप भी अपने कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो आप पाते हैं कि फ़ोटो बहुत अच्छा आया है, लेकिन कई बार उसी फोटो कैमरे से आपने खींची फ़ोटो लेकिन वो उतनी साफ नहीं आई, या अलग अलग कैमरा आपने इस्तेमाल किया तो एक कैमरे की फ़ोटो अच्छी थी दूसरे की उतनी अच्छी नहीं आई। तो वो किस चीज़ में शामिल होते हैं? वो उन फैक्टर्स में शामिल होते हैं जो वायो फ़ोटो की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। एक एक करके हम देखते हैं अभी। जैसे सबसे पहले है फिल्म का प्रकार व गुणवत्ता। हालांकि आजकल मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि हम फिल्म का इस्तेमाल अब नहीं करते हैं। 1980 और 90 के दशक तक जो है हम काफ़ी मात्रा में जो कैमरे होते थे उनमें रील डालने का काम करते थे और रील के जरिए ही फोटोग्राफी का काम करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है ज़्यादातर कैमरे डिजिटल हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम फिल्म की गुणवत्ता की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो कैमरा है उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। जितना कैमरा बेहतर होता जाएगा, ज़्यादा मेगापिक्सल्स का होता जाएगा, वैसी वैसी आपके पास ज़्यादा बेहतर फ़ोटो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन अगर आपका कैमरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफ प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा है ऋतु व दिन का समय। सुबह आप फ़ोटो खींचते हैं, एक अलग टोन होता है, एक अलग टेक्सचर होता है, एक अलग क्वालिटी होती है। शाम को आप फ़ोटो खींचेंगे तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल सुबह वाले फ़ोटो से अलग होगी। दोपहर के समय फ़ोटो खींचेंगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो इसलिए किस समय में आपने वो फ़ोटो खींचा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमने फोटोग्राफी के समय की बात की थी तब भी हमने कहा था कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर में 11:30 बजे तक अगर आप फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद दोपहर बाद आप 12:30 या 1 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान अगर फ़ोटो खींचते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो समय के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा है ऋतु। ऋतु का मतलब है कि अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटो उतनी साफ़ ना आए, धुंधली आए, लाइट कम हो तो भी धुंधली आ सकती हैं फ़ोटो, तो ऋतु का भी उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है वायुमंडलीय स्थिति। वायुमंडलीय स्थिति का मतलब है कि हम जब जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कभी धूप रहती है, कभी छांव आ जाती है, तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि जिस क्षेत्र का आप फ़ोटो प्राप्त कर रहे हैं वहाँ की वायुमंडलीय स्थिति कैसी है। अगर वहाँ लंबे समय तक बादल छाए रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना आए, लेकिन जहाँ पर धूप खिली रहती है वहाँ पर फ़ोटो की क्वालिटी के अच्छे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है रेजोल्यूशन एंड स्केल। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने जो फ़ोटो खींची है वो जो कैमरा है वो किस प्रकार की फ़ोटो आपको दे रहा है। एक होती है साधारण फ़ोटो जिसको हम कहते हैं SD, जो 480p, कई बार आपने YouTube पे या किसी अन्य जगह पे फिल्म्स देखी होंगी तो उसमें उसकी क्वालिटी भी साथ लिखी हुई होती है। तो अगर आप वहाँ पर कहीं लिखा हुआ है 240p या 480p, इसका मतलब है कि वो बहुत ही साधारण क्वालिटी की पिक्चर उसमें उपलब्ध होगी। लेकिन जैसे ही आप 720 की तरफ चलते हैं, 720 की तरफ, तो आपकी जो फ़ोटो है वो थोड़े थोड़ा HD की तरफ चलना शुरू हो जाती है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 480 की तुलना में बेहतर हो जाते हैं। और उससे भी अगर आप आगे जाएं, जिसको हम फुल HD कहते हैं, यानी कि जिसमें पिक्सल्स हैं वो 1920 गुना में 1080 हो जाते हैं, तो वो पिक्चर की क्वालिटी और भी बेहतर है। और वर्तमान में जो है 4K तक फिल्में जो है शूट की जाती हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफी और भी अच्छी हो जाती है। तो पहली बात तो है कि रेजोल्यूशन यानी कि विभेदक कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर है स्केल। स्केल के अंदर क्या है? लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अगर आपने लार्ज स्केल पर कोई फ़ोटो खींची है तो इसका मतलब है कि उसमें चीज़ों की डिस्क्रिप्शन आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों को पहचान करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई फ़ोटोग्राफ स्मॉल स्केल पर खींचा हुआ है तो उसमें आपको एरिया तो बड़ा मिलेगा लेकिन उसमें आपको चीज़ों की जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगी। इसके बाद है इमेज मोशन। कई बार हम किसी चलती हुई चीज़ का फ़ोटो खींचते हैं या हमारा हवाई जहाज जब चल रहा है तब हम किसी स्थान का फ़ोटो खींचते हैं, तो उस मोशन के दौरान यानी कि किसी चलती चीज़ का फ़ोटो खींचना या आप चल रहे हैं तब फ़ोटो खींचना, दोनों ही स्थितियों में अगर कैमरा अच्छी क्वालिटी का है जो मोशंस को रिकॉर्ड कर सकता है तो आपकी फ़िल्म की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपकी फ़ोटो की क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है तो क्या होगा कि फ़ोटो जो है ब्लर हो जाएगी या जैसे ही मोशन ज़्यादा होगा तो उस फ़ोटो में जो है गुणवत्ता काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद है एक्सपोजर एंड प्रोसेसिंग। एक्सपोजर एंड प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ पर कि पहले जैसे हमने बात की थी कि फ़िल्म के ज़रिए जो है वो फ़ोटोग्राफी की जाती थी, वर्तमान में हम डिजिटल तरीके से करते हैं, तो दोनों तरीके से क्या है कि आपको एक डिजिटल फ्रेमवर्क मिला या आपको फ़िल्म के ऊपर एक फ़ोटो प्राप्त हुई। लेकिन जब आपने उसको डेवलप करके उसकी हार्ड कॉपी निकाली तो उस दौरान एक प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं एक्सपोजर एंड प्रोसेसिंग।
तो अगर वो एक्सपोजर एंड प्रोसेसिंग अच्छे से ना किया जाए, तो चाहे आपने कितनी भी अच्छी फ़ोटो खींची हो, उसकी हार्ड कॉपी या उसका जो फोटोग्राफ आपको प्राप्त होगा उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि आपको फ़ोटो इंटरप्रिटेशन के लिए चाहिए। लेकिन एक अच्छा टेक्नीशियन है अगर, जिसको कि पूरी जानकारी है किसी डिजिटल फ़ोटो को हार्ड कॉपी में बदलने की, तो वो एक साधारण फ़ोटो को भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल में उपलब्ध आपको करवा सकता है। इसके बाद है स्टीरियोस्कोप पैरालेक्स। स्टीरियोस्कोप पैरालेक्स का मतलब ये होता है कि वायव फ़ोटो के अंदर, एक हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा देखा था कि जब हम लगातार फ़ोटो खींचते हैं तो हर अगली फ़ोटो में, यानी कि एक नंबर फ़ोटो जो आपने खींची उसमें आपने एक स्थान को कवर किया, जब आप दूसरे नंबर की फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें पहली फ़ोटो का 60% भाग दूसरी फ़ोटो में भी जाता है, उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ऐसे करते करते हम हर एक फ़ोटो में पिछली फ़ोटो का 60% भाग ओवरलैप करते हुए जाते हैं। वो ओवरलैपिंग क्यों की जाती है? ताकि हम किसी स्थानीय ऊंचाई को आसानी से समझ सकें, उसका 3D व्यू देख सकें। तो वो 3D व्यू किसके थ्रू देखा जाता है? स्टीरियोस्कोप पैरालेक्स के थ्रू देखा जाता है। उसका क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए कि ये कोई एक वस्तु है जिसे अपने स्थान पर स्थित है ये, तो लेकिन इसको देखने वाला व्यक्ति किस स्थान से उसे देख रहा है उसके अनुसार जो है वो उसके परसेप्शन चेंज हो जाती है, उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। जैसे ये पहला व्यक्ति है, इसने इस स्थान से इस फोटो को देखा तो उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है उसके लिए एक अलग प्रकार की बनेगी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो थोड़ी दूरी पर है, वो उसी फोटो उसी स्थान को देख रहा है लेकिन दूसरे एंगल से देख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग स्थान पर बनेगा। और इनके बीच में जो एंगल बनता है, यहाँ पर ये कोण जो बनता है, ये कोण जो है इसको हम लोग कहते हैं पैरालेक्स। ये पैरालेक्स जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका मतलब है कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। लेकिन पैरालेक्स जितना कम होगा इसका मतलब है कि ऊंचाई उतनी ही कम होती है। क्या फ़ायदा है इसका पैरालेक्स का? पहला फ़ायदा है वस्तुओं की ऊंचाई के अंतर को मापा जा सकता है, कि पैरालेक्स के बेसिस के ऊपर आप ये बता सकते हैं कि कोई स्थान अपने आसपास के क्षेत्र से कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, यानी कि ऊंचाई और निचाई के बीच में अंतर को स्पष्ट करने में ये आपको मदद करता है। अधिक ऊंचे स्थानों का पैरालेक्स अधिक होता है, यानी कि किसी के बीच में अगर एंगल ज़्यादा है, पैरालेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो स्थान आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा ऊंचाई पर है। कम ऊंचे स्थान का पैरालेक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि कम ऊंचे स्थान का मतलब पैरालेक्स कम, ज़्यादा पैरालेक्स का मतलब है वो स्थान आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा ऊंचाई पर उपलब्ध है। तो ये पैरालेक्स आपको क्या हेल्प कर रहा है? स्थानीय ऊंचाई के अंतर को समझने में और किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है इसको समझने में मदद करता है। ये देखिए आप, ये वायुयान है। जैसे वायुयान ने 20 स्थान की, मान लीजिए पहले फ़ोटो खींची, 20 स्थान की जब फ़ोटो खींची तो जब वो पहले स्टेज पर था तो उससे उसका जो एंगल बना वो ये वाला बना। जब वो 20 स्थान पर पहुँच गया हवाई जहाज़, उसी स्थान की फ़ोटो उसने खींची तो उसका एंगल अलग बना। तो इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल जो है बन करके आपके सामने आई। ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर ये हाइट को बता रहा है। ये हाइट कैसे पता चली आपको? उसी हवाई जहाज़ ने एक एंगल से फ़ोटो लिया 20 स्थान का, दूसरे एंगल से फ़ोटो लिया और बीच में आपको ऊंचाई का अंदाज़ा लग गया। एक अन्य स्थान है ए, जो कि बी की तुलना में थोड़ा सा ऊँचा है। अब यहाँ पर आप देखिए, उसी हवाई जहाज़ ने ए की फ़ोटो इस एंगल से ली तो बड़ा ये बना, और इधर से ली तो ये बना। तो ये ट्रायंगल क्या हुआ? बड़ा हो गया, और इसका एंगल भी बड़ा है। ज़्यादा एंगल बड़ा है इसका मतलब है ज़्यादा ऊंचाई, एंगल छोटा है इसका मतलब कम ऊंचाई। तो ये पैरालेक्स जो है आपको ऊंचाई को समझने में मदद करता है। फिर है वायव फोटो की व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो आपके इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करेंगे। उनमें सबसे पहले है लक्ष्य की दृश्यता या विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने वो वायव फोटो प्राप्त किया है। मान लीजिए आपने फसलों के लिए कोई एक वायव फोटो प्राप्त किया है, तो वो फसल कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है उस फोटो में, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फसलों को पहचानना। तो वो ऑब्जेक्ट कितना स्पष्ट है उस फोटो में, उसके आधार पर आपकी जो व्याख्या है वो निर्भर करेगी। अगर वो स्पष्ट है बिल्कुल तो आप अच्छी व्याख्या कर पाएंगे, अगर वो धुंधला है या स्पष्ट नहीं है तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है जैसे कि आभा और बनावट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ गुण होते हैं जिससे कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर पाते हैं या उसकी पहचान कर पाते हैं, वो चाहे उसके रंग से हो, उसकी शेड से हो, उसकी टोन से हो। तो अगर किसी भी चीज़ की जिसकी आपको पहचान करनी है वो कितना स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, कि मान लीजिए कलर्ड फ़ोटो है एक,
उसमें आपको घास और फसल के बीच में अंतर करना है। तो घास भी हरे रंग की है और कोई गेहूं की फसल है जैसे, जिसको बोए हुए अभी एक महीना या कुछ समय ही हुआ है, तो दोनों हरे रंग की दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोनों हरे रंग के अंदर भी क्या है कि एक टोन का फ़र्क होगा, एक टेक्सचर का फ़र्क होगा, जिससे कि आप ये बता पाएंगे कि बेशक से दोनों चीज़ें हरे रंग की हैं लेकिन ये घास है और ये कोई एक फसल है, उन दोनों के बीच में अंतर है। वो अंतर का आप कब स्पष्ट कर पाएंगे? जब दोनों के बीच के जो लक्षण हैं वो काफ़ी हद तक स्पष्ट होंगे तभी। तीसरा है वायव फोटो की गुणवत्ता। एक HD पिक्चर जब आप देखते हैं तो आप उसमें आपको एक एक चीज़ बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही होती है, और एक आप साधारण फोटो देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कि HD या हाई डेफिनेशन के अंदर होती हैं। तो दोनों फोटो अगर आपको दे दिए जाएँ, एक बिल्कुल साधारण खींचा हुआ, एक आपको मिला है HD क्वालिटी में खींचा हुआ, तो HD क्वालिटी में आपकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी अच्छी होगी, जबकि साधारण फोटो में आपकी कुछ चीज़ें छूट सकती हैं या आपकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक वो चांसेज हैं इस बात के कि गलत भी हो जाए। इसके बाद है आभा प्रतिबिंब तथा इसकी पृष्ठभूमि की चमक में अंतर। एक तो है कि आपको ऑब्जेक्ट देखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने के अलावा उसकी जो बैकग्राउंड है, अगर वो बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में क्लियर कट एक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है तो आप उस चीज़ को पहचान पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पीछे बैकग्राउंड में भी वही कलर है और जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसका कलर भी वैसा ही है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पीछे एक हरा पर्दा लगा दिया जाए और घास की ही फ़ोटो खींची जाए, तो अब पीछे बैकग्राउंड जो है वो भी हरी हो गई और घास का रंग भी हरा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कंट्रास्ट होता, कंट्रास्ट का मतलब है कि बैकग्राउंड में वाइट कलर होता और फ्रंट में आप घास का फ़ोटो खींचते, तो वो उभर करके आती वो घास, जिससे कि आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे। इसके बाद है तीक्ष्णता। तीक्ष्णता या शार्पनेस के अंदर क्या हो रहा है कि फ़ोटो में जो एजिस हैं यानी कि किनारे हैं वो कितने शार्प हैं। अगर वो ज़्यादा शार्प हैं, दोनों मतलब एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक रेखा होती है महीन सी, वो रेखा कितनी स्पष्ट है, जितनी वो डिफाइंड होगी, स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, उतनी ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर एक चीज़ के और दूसरी चीज़ के बीच में वो जो तीक्ष्णता होनी चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए, वो स्पष्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको दोनों चीज़ों के बीच में थोड़ा सा डाउट हो कि कब वो एक चीज़ ख़त्म हुई, कब दूसरी चीज़ शुरू हो गई। तो उस तीक्ष्णता को समझने के लिए आपकी फ़ोटो का स्पष्ट होना और उसकी शार्पनेस का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। फिर है स्टीरियोस्कोप पैरेलेक्स। इसके बारे में हमने अभी बात की थी स्टीरियोस्कोप पैरेलेक्स के बारे में, कि पैरेलेक्स जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कोई स्थान ऊंचा है, और अगर पैरेलेक्स कम है तो इसका मतलब कोई स्थान अन्य स्थानों की तुलना में नीचा है। तो स्टीरियोस्कोप पैरेलेक्स जो है वो आपको स्थानीय ऊंचाई और उसकी जो अंतर है दोनों चीज़ों के बीच में, किसी आसपास के क्षेत्र में और उस वस्तु के बीच में, उसको समझने में आपको मदद करता है। थैंक यू।